गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग बच्चों आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाई जनमेसर एंड वी आर हैविंग दिस एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द हिंदू इन विच वी वुड बी वर्किंग ऑन ग्रामर वो कैब स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल्सो द रीडिंग स्किल्स राइट गट बच्चों तो चलिए शुरुआत करते हैं जी दिव्या अंजू राखी मोहित नीलम वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों तो अपने वर्क की हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं ठीक है जी तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने एक अच्छे बेसिकली जी सुनील नीलम गुड मॉर्निंग हम शुरू करते हैं बच्चों एक कोटेशन से एंड दिस कोटेशन इज पुश योर नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू बच्चों अपने आप को आपको खुद ही पुश करना होता है और खुद ही आप पुश करेंगे न बडी एल्स वुड डू इट फॉर यू इसे कोई भी आपके लिए नहीं करेगा ठीक है जी तो ये हमारी बच्चों एक कोटेशन बनी इसके बाद में हम आते हैं आज के हिंदू एनालिसिस पे इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों एडिटोरियल में शुरू में आप देख सकते हैं यहां से क्या लिखा है इट्स हेयर फिल्ड फील्ड टू द नाइन्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट स्प्री बच्चों स्प्री अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम एक प्रोजेक्ट होता है जिसको हम करने की कोशिश करते हैं तो ऑन सुप्रीम अपॉइंटमेंट स्प्री अपॉइंटमेंट स्प्री का अपॉइंटमेंट का एक तरह से स्पेयर अब देखो इसका क्या बनेगा यहां पे नीचे से हम शुरुआत करते हैं इसकी जी बच्चों सचिन गुड मॉर्निंग नीलम गुड मॉर्निंग इसमें हम देखते हैं अपॉइंटमेंट स्प्री इन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट स्प्री इन सुप्रीम कोर्ट इज वेलकम यानी कि अपॉइंटमेंट की जो स्प्री या एक तरह से हम कह दें कि प्रोजेक्ट है या फिर टाइम पीरियड है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम इसका वेलकम करते हैं एंड ऑगर्स ऑगर्स का मीन होता है बच्चों एक तरह से बेहतर करना वेल ऑगर्स वेल और मतलब कहने का है कि ये हमें कोई ना कोई पॉजिटिव बात बताता है काहे के बारे में फॉर डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन यानी कि डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन पे ये हमें कोई ना कोई पॉजिटिव साइन देता है पॉजिटिव सिंबल देता है करेक्ट एवरी वन अब देखो बच्चों इसको नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं और यहां पे को भी हम देखते हैं इट ऑफन मतलब क्या, है क्या है यहां पे देखते हैं कौन बच्चा आप में से बताता है अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं इट इज नॉट ऑफन तो ऑफन क्या है और नॉट क्या है बच्चों यहां पर मतलब कौन सा पार्ट ऑफ़ इस बीच आप इसे बनाएंगे नाउन है प्रनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है कंजंक्शन है कैसा फंक्शन कर रहा है आंसर देना बहुत जरूरी है बच्चों के आंसर अभी नहीं आ रहे हैं रीना ने एडजेक्टिव कहा है लेकिन रीना एडजेक्टिव है बेटा कैसे हुआ जरा देखो ध्यान से भाई अगर मैं कहूं कि इट इज नॉट ऑफन ऑफन का मीन्स क्या होता है हा बिल्कुल सही है सुनील बच्चों, नोट जो है वो एडवर्ब है हमेशा याद रखना है आपको नोट एक वर्ब को मॉडिफाई करता है और ऑफन भी एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी का ही तो एडवर्ब हो गया ना दोनों एडवर्ब है आपस में हां ऑफन प्रपोजिशन नहीं सुनील ऑफन भी एडवर्ब का वर्क करा इट इज नोट ऑफन अक्सर नहीं होता है क्या जेस आर अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एट वन गो के नो जज एक साथ एट वन गो का मीन एक साथ कोर्ट में एक जाएं। ऐसा नहीं होता है। तो दोनों ही एट वर्ब है बच्चों नोट ओफन को मोडिफाई कर रहा है यह आपको ध्यान रखना है तो ऐसा अक्सर नहीं होता है कि वन गो में ही हम सुप्रीम कोर्ट में नाइन जजेस को बैठा दे आगे लिखा है इन अ वेलकम साइन ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द जुडिशियरी देखो क्या लिखा है इन अ वेलकम साइन ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव बच्चों एग्जीक्यूटिव का मीन क्या होता है राष्ट्रपति से राष्ट्रपति वाली लाइन और पूरी तरह से जुडिशरी क्या है जजेस वाली लाइन तो इन दोनों के बीच में कॉपरेशन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड वारंट्स वारेंट्स का होता है बच्चों जिससे रूल हमारा बनने वाला हो तो हेट साइन द वारेंट्स वारेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट विद इन डेज ऑफ द फाइव मेंबर कॉलेजियम रिकमेंडिंग एट कोर्ट जजेस ठीक है जी मतलब जैसे फाइव मेंबर कॉलेजियम को क्या होता है उनका जोड़ कॉलेजियम बनता है जजेस कालेजियम बनता है जिससे कि वो वर्क करते हैं तो उनके कहने के कुछ ही दिन के अंदर में इसको हो जाना चाहिए अब देखो इंक्लूडिंग थ्री विमेन उसमें क्या होंगी कोर्ट जजेस होंगे एट कोर्ट जजेस होंगे उसमें बच्चों थ्री विमेन भी होंगी एंड अ लॉयर फ्रॉम एलिवेशन एक लॉयर फ्रॉम एलिवेशन बनेगा इट इज नियरली अब देखो नियरली कैसे लिखा है यहां पर इट इज नियरली टू ईर्स सिंस सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट वर मेड लगभग दो साल बाद है जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट बच्चों हुए थे हाँ बिल्कुल सही है कोहर्ट दो साल तक दो साल पहले एंड सम वैकेंसीज हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ मतलब काफी समय से वहां पे कुछ वैकेंसीज भी पड़ी हुई है द लेटेस्ट राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट पॉसिबली सिग्निफाइज ये क्या सिग्निफाई करता है क्या संकेत देता है द ऑनसेट ऑफ एन एरा इन विच टू ब्रांचेस एग्री मोर एंड एग्री फास्टर ऑन द कोलेजियम्स रिकमेंडेशन है ना ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं यहां पे है ना बच्चों सिग्निफाई करता है क्या ऑनसेट ऑफ द एरा एक ऐसे एरा को इन विच द टू ब्रांचेस एग्री मोर एंड एग्री फास्टर मतलब तेजी से वो एग्री कर गई है और फटाफट उन्होंने काम भी कर दिया है रिकमेंडेशन पे द स्ट्रेंथ ऑफ द बेंच गेट्स अपू थर्टी थ्री अब सबसे बड़ी बात है एक करंट की बात बच्चों यहां पर बन गई कि तैतीस यहां पे ऑलरेडी हैं जबकि हमें टोटल कितने चाहिए चौतीस चाहिए यानी एक की कमी है जबरदस्त वर्क है बच्चों एक की कमी बनी यहां पे इन अ कोर्ट दैट हैज अ देखेंगे इन अ कोर्ट द दैट हैज अ अंक्शन कंप्ली कॉम्प्लीमेंट ऑफ थर्टी फोर जजेस इसका मतलब है चौंतीस जज होने चाहिए द प्रेजेंस ऑफ थ्री वुमेन एंड द फैक्ट दैट डिफरेंट हाई कोर्ट्स आर गेटिंग प्रेजेंटेशन आर पॉजिटिव फीचर्स एंड ऑगर वेल फॉर इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द डायवर्सिटी ऑफ द बेंच मतलब यहां पे कहने का क्या बना है बच्चों यहां पे कहने की बात ये बनी है कि जो पॉजिटिव फीचर है यहां पे वो क्या है ऑगर कर रही है वेल फॉर द इंक्रीजिंग डायवर्सिटी का मतलब बच्चों इसमें वुमेन भी है हम देखेंगे वुमेन है लॉयर्स भी है इधर उधर से भी लोग लिया गया मतलब इनको लेने का मतलब स्टेट से रिप्रेजेंटेशन है का मतलब की डायवर्सिटी को जैसे हम क्लास में एक डाइवर्सिटी देखते हैं सेम डाइवर्सिटी हमारी कहां पे है

सेकेंड हम देखते हैं बच्चों ऑगर्स आपने देखा था ऑगर्स वर्ड इसका मीन्स है पोर्टेंड अ गुड और बैड आउटकम का मतलब है कोई शुभ संकेत देना जैसे इल और बच्चों गुड ओमेन होते हैं वारंट वारंट का मीन्स आप बढ़िया तरह से जानते हैं वारंट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है जस्टिफिकेशन अथॉरिटी फॉर एन एक्शन लेकिन वो वारंट्स लिखा है इसका मतलब है उसको वारंट वारंट के थ्रू वो ऐसा वर्क कर सकता है डाइवर्सिटी को हम देखें तो इसका मीन्स विविधता है सेम वही दिया है जो आपका अक्सर होता है स्टेट ऑफ बींग डायवर्स या वेराइटी डन बच्चो अब देखो सेकेंड वाले पे आते हैं अब इसमें वर्क करो पहले क्या करेंगे इसमें वर्ड्स को देखते हैं हम जरा चेक करते हैं कि यहां पे बच्चों कौन कौन से वर्ड्स आए हैं और इन वर्ड्स को हम कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं इसमें ऑगरवेल हाँ, बिल्कुल सुनील हमने ओगर का यहां पे बताया लेकिन ओगर वेल का वहां पे वेल एडवर्ब का फंक्शन करेगा वेल वहां पे एडवर्ब का फंक्शन करेगा और एक अच्छी बात है आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं ठीक है सुनील अब जरा बच्चों इसको देखो फाइव नंबर पे शटर्ड शटर्ड का पहले मीन्स देखेंगे यानी कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं वर्ड्स को देख के इनका एप्लीकेशन फिर हम इस पैसेज में करेंगे का मीन्स होता है बच्चों वेरी अपसेट एग्जॉस्टेड यानी कि बिखरा हुआ पता इधर उधर को बिखरा पड़ा है कोई पर्सन शेटर हो सकता है उसका दिल हो सकता है देखो का सपोर्टर या फिर हेल्पर जो पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं वो क्या कहेंगे इसको, इसको आपको है, carried out का बच्चों अंजाम देना जैसे आउट करना इंप्लीमेंट कर देना अंजाम दे देना उसको ब्रिंग टू सक्सेसफुल इशू हम देखते हैं बच्चों कोलूजन कोलूजन आपने पढ़ा था मैंने कहा था कोलू के लिए जब कोलू चलाते हैं लोग तो क्या करते हैं आपस में सेटिंग करते हैं साठ गांठ करते हैं तो जब तक एग्रीमेंट या साठ गांठ ना हो कोलू आप नहीं चला सकते तो इसको हैं कॉन्स्पिरेश मिली भगत इलीगल कॉपरेशन ये इलीगल कॉपरेशन हो गया नीचे देखो वन हुट्स हार्ट डिजीज कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है अब जरा इसको हम यहां पे फिल करते हैं बच्चों ध्यान से देखो नियर एंड प्रेजेंट है ना पास में और पास के ही प्रेजेंट की बात ऑन द अफगान क्राइसिस एंड इंडिया अफगान क्राइसिस लगातार जारी है बच्चों और इंडिया उसमें क्या कह रहा है ये हमें चेक करना है देखो इंडिया डज नॉट हैव द लग्जरी ऑफ डिस्टेंस इसका मतलब है कि भाई अगर हमारा इंडिया बहुत बहुत दूर होता है पाकिस्तान ये रहा इंडिया ये रहा अगर अफगानिस्तान बहुत दूर होता है तो हमारे लिए लग्जरी की बात होती है हम खुश होते इट्स ऑल राइट होना है जो होने दो लेकिन डज नॉट डिस्टेंस फ्रॉम टिकिंग बोम इन इट्स नेबरहुड का मतलब है इसको हम बिल्कुल भी पेजेस्ट नहीं करते हम तो बिल्कुल पास में बैठे हैं यहां से जोर से बम फेंक दे तो हमारे देश में आके गिरेगा नहीं इतना भी पास नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल उठा के इधर ही फेंक दें ठीक है बच्चों अब जरा पढ़ते हैं इसको द सुसाइड बॉम्बिंग द सुसाइड बॉम्बिंग एट काबुल एयरपोर्ट विच क्लेम्ड क्लोज टू हंड्रेड लाइफ हैज शर्ड का मतलब उसने तोड़ डाला है चकना चूर कर दिया है एनी रेजिडुअल रेजिडल मतलब रेजिडुअल ऑप्टिमिज्म का मीन्स है रेजिडल का मीन्स होता है बचा कुचा बचा कुचा ऑप्टिमिज्म का मीन्स आशा जो बची कुची आशा है बच्चों उसको भी क्या कर दिया शटर कर दिया है तोड़ दिया है द वर्ल्ड हैड दैट है ना यहां पे क्या लिखा है आगे द वर्ल्ड हैड द वेस्ट पुलिंग आउट फोर्सेस का मतलब जो वेस्ट है अमेरिका है वो अपनी फोर्सेज को आउट कर रहे हैं एंड हैंगिंग हैंडिंग एंड हैंडिंग द कंट्री ओवर टू द तालिबान तालिबान को कंट्री को सौंप देना एज पार्ट ऑफ नेगोशिएशन इन दोहा दोहा के नेगोशिएशन वुड रिजल्ट इन अ मोर पीसफुल अफगानिस्तान है ना मतलब क्या सोचा गया था कि वो एक मोर पीसफुल अफगानिस्तान बनेगा इन स्टेट बजाय इसके वो द कॉम्प्लेक्स अटैक क्लेम्ड बाय द इस्लामिक स्टेट्स स्टेट खुरासन आई एस दैट नो मैटर वोट उसने क्या प्रूव कर दिया है अटैक ने बच्चों के नो no मैटर वोट एश्योरेंस द तालिबान न्यू रिजिम और इट्स बेनिफेक्टर्स मतलब इसके जो बेनिफेक्टर्स हैं जो सपोर्टर्स हैं वो चाहे जो हमें क्या करें जो क्लेम करें इन पाकिस्तान में प्रोवाइड या पाकिस्तान में जो कर रहे हैं दे आर एनेबल और अनविलिंग टू स्टेम द टेरर थ्रेट डिमांड एमिनेटिंग फ्रॉम द कंट्री मतलब कंट्री से जो डिमांड उठ रही है डिमांड बोलेंगे कंट्री से जो एक तरह से टेरर की थ्रेट उठ रही है उसको रोकने में कहीं ना कहीं वो बेकार साबित हो रहे हैं डिस्पाइट बिंग प्रोवाइडेड देखो यहां पे क्या लिखा है डिस्पाइट बींग प्रोवाइडेड की इंटेलिजेंस इनपुट अबाउट द अटैक देर आर रिजीम दे आर ऑल्सो सस्पिश ऑफ सम द तालिबान रिजीम मतलब मेरे कहने का ये हुआ है कि बच्चों इनको पहले ही आगा कर दिया गया था दे हैड बिन टोल्ड के भाई तुम्हारे यहां अटैक होने वाला है लेकिन फिर भी कोई मेजर नहीं ले पाए और अगर नहीं मेजर ले पाते तो ये बिल्कुल तैयार है नहीं चलाने के ये कंट्री को चला ही नहीं सकते रन ही नहीं कर सकते हैं एज द हकानी ग्रुप दैट इज सिक्योरिंग काबुल एंड द एयरपोर्ट पेरिफ्री एयरपोर्ट की पेरीफ्री एक्सेट्रा पे कौन कौन कर रहा है इनको हुक् एंड देयर हक्ानी एंड देयर सिक्योरिटी मैन अब नीचे देखेंगे इज यूएन डेजिग्नेटेड टेरर एंटिटी दैट वाज एंटिटी दैट वाज उट अटैक्स विद द आई एस के इन द पास्ट इसका मतलब क्या हुआ बच्चों अच्छा वन पैराग्राफ ओनली फ्रॉम द बोथ एडिटोरियल अच्छा दोनों में से एक लेंगे मतलब इसमें हम थोड़ी सी रीडिंग ज्यादा कर सकते हैं इसलिए इसको चेक किया गया है सुनील तो सब बच्चे देखेंगे शटर्ड का मीन्स आपको समझ में आया यहां पर फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो यहां पर बच्चों पहला वर्ड आपको शटर्ड समझ में आया फिर आपको बेनिफैक्टर समझ में, में आया अगर मैं कहूं आपसे का है उसे इंप्लीमेंट करना और का का है बच्चों हमारा क्या बनेगा ये बनेगा ये बेसिकली संदेह तो ये सारे वर्ड्स आज आपके हो गए तो देखो आपने कितनी सारी चीजें देखी हैं आपने समझाया है इस पैसेज को कोशिश की स्प्री ऑगर्स या फिर वारंट डाइवर्सिटी है ना नीर प्रेजेंट अफगानिस क्राइसिस अफगान क्राइसिस को आपने देखा शैटर्ड बेनिफेक्टर सस्पिशन कैरिड आउट कोल्यूजन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इनको भी आपने बच्चों यहां पे ध्यान दिया है अब जरा इस पिक्चर पे फोकस करेंगे सी दिस पिक्चर सेल्यूटिंग सेल्यूटिंग एक्सीलेंस डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड आर्मी चीफ एम एम फैसिलिटेट देखो बच्चों एक होता है एक होता है फैसिलिटेट या हम कहते हैं फैसिलिटी और एक होता है बच्चों फेलिसिटेट फेलिसिटेट का मीन्स होता है पलके बिछाना मतलब किसी के लिए पलके बिछाना का मतलब है उसको जबरदस्त स्वागत करना तो नारायण फेलिसिटेट नीरज चोपड़ा विद सिल्वर जुवेलिन इनको सिल्वर जेवलिन थ्रो दिया गया फोर हिज गोल्डन शो इन टोक्यो क्योंकि टोक्यो में इसने अपना क्या किया है बच्चों गोल्डन शो प्रदर्शन किया है तो इनको चांदी का जेवलिन प्रोवाइड किया गया अब देखो वर्ड ऑफ द डे कल हमने देखा था बच्चों इंटेंसिफाई कम से इंक्रीज करना एस्केलेट करना या बूस्ट करना आज का वर्ड आपका है बैकलेश। तो आपको इसको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में हाँ जी बिल्कुल ठीक है स्क्रीन शो तो सचिन हो रही है आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या स्क्रीन शो में ऐसा तो नहीं होना चाहिए अच्छा बच्चों एक फीडबैक मैं आपसे चाहता हूं मुझे ये बताइए कि अभी हम चौथी आई थिंक फोर्थ डे है हमारा इसका हम फोर्थ डे पे वर्क कर रहे हैं ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट मुझे ये बताओ कि ये जो हिंदू वोकेबलरी आप डेली कर रहे हैं यहां पे ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है मतलब आपको कैसी कैसा फील हो रहा है इनके साथ में जो पहले एक्सरसाइज कर रहे थे वर्ड्स कर रहे थे आप और अब जो वर्क कर रहे हैं इन दोनों में अच्छा फील हो रहा है इसको अच्छा फील कर पा रहे हैं या नहीं आई वॉन्ट टू नो आई जस्ट वॉन्ट टू नो के वॉट डू फील अबाउट दिस वट इज योर रिप्लाई टू दिस वॉट इज योर रिएक्शन टू दिस ओके बैकलैश मीन्स कम बैक ठीक है ठीक है दीप्ति तो सब बच्चे मुझे फीडबैक दें कि ये कैसा आपको लग रहा है मतलब इज इट इज इट वर्दी टू बी डूइंग और समथिंग एल्स यू नीड या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए कुछ मुझे बताइए अच्छा वन एडिटोरियल शुड बी कंप्लीट चलो ठीक है एक एडिटोरियल ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा यू वांट यू वांट कंप्लीट एडिटोरियल चलो इसी हम कोशिश करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और बताइए बच्चों और बात बताएंगे आपके और क्या इसमें होना चाहिए ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है पिंकी आज पहली बार आप क्लास में कोई बात नहीं है वन एडिटोरियल अ डे ठीक है हम इसको देख लेंगे बिल्कुल सुनील बाकी मित्र मुझे ये बताओ कि आप इसमें से सीख रहे हो सीखने को मिल रहा है चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं देट आर फ्रूटफुल फॉर यू पीपल और नॉट अच्छा ठीक है, को इसमें से ले लेंगे नो no प्रॉब्लम और कोई बात बच्चों जो आप शेयर करना चाहते हो अच्छा हेल्पफुल है वो कभी लेने चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है ठीक है जी ठीक है बच्चों तो चलिए कोई बात नहीं है मैं दोनों बातें आपकी कंप्लीट करता हूं ये फ्रेजल वर्ब वाली भी और दूसरी <coughs> अच्छा नीलम आपकी पहली क्लास है ठीक है ग्रामर प्रैक्टिस ऑफ एडिटोरियल मोहित अच्छा ठीक है ग्रामर पे भी हम फोकस करेंगे नो नो प्रॉब्लम ठीक <coughs> है जीना ठीक है हेल्पफुल है ऑल राइट डन तो चलो बच्चों आज इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं हम अच्छा अच्छा एक्सप्लेन विद ग्रामर चलो ठीक है मैं ग्रामर के साथ में आपको कल पढ़ाऊंगा अच्छा छोटे नहीं ये तो साइज काफी बड़ा है नीलम अच्छा सुनील आपकी थर्ड क्लास है गुड ठीक है ठीक है हेल्पफुल है सचिन इट्स गुड तो चलिए बच्चों आज इस क्लास को ओवर करते हैं मिलते हैं फिर इवनिंग में आज आपसे ठीक है जी इसी तरह से लगातार अपना वर्क करते रहिए थैंक यू सो मच बच्चों और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू सो